करता हूं हमारे सम्मानित निदेशक महोदय और हमारे संस्थान के सचिव महोदय इससे जुड़े हुए हैं, आप सबका स्वागत है और मेरे फेलो दोस्तों मित्रों, मैंने जो निदेशक साहब ने कहा उस बारे में मैंने जब मैं प्रेजेंट किया था, मैंने इंट्रोडक्टरी प्रेजेंटेशन दिया था तो उस बारे में मैंने बात की थी, लंबे बहुत विस्तार से उस बारे में बात की थी, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा दोहरा देना चाहूंगा। अरुणाचल या नॉर्थ ईस्ट में हिंदी का विकास हुआ है और बेहतर स्थिति में हुआ है, अरुणाचल में वो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा हुआ है। मैंने उसको विस्तार से बताया था पिछली बार कि उसका कारण शायद ये है कि 1962 का युद्ध उसमें एक बहुत बड़ी उसकी भूमिका है कि उसके बाद वहां पे एक तरह से हिंदी के टीचर्स भी गए, मिलिट्री भी गई, ये सब तो हुआ, लेकिन अरुणाचल के लोगों को मैं ये लंबे समय में 40-50 साल के एक 40-50 साल बाद इसको देख रहा हूँ, तब मैं ये समझ पा रहा हूँ कि वहां के लोगों ने हिंदी को ही इस बात का माध्यम बना लिया कि वो कनेक्ट करते हैं बाकी हिंदुस्तान से, इसलिए उन्होंने उनके लिए हिंदी केवल बोलने की बात नहीं रह गई, उन्होंने उससे कनेक्ट किया अपने को बाकी हिंदुस्तान से, और इसीलिए वो उसको खुशी खुशी बोलते हैं अरुणाचल में, वो उसको बोल के खुश होते हैं अरुणाचल में। नहीं तो संपर्क भाषा जिसकी अरुणाचल में बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि वहाँ 25-26 मेजर ट्राइब हैं, 100 से ज्यादा सब ट्राइब हैं, तो उनको आपस में बात करने के लिए एक भाषा चाहिए ही चाहिए, और ये असमिया थी पहले, लेकिन ये 62 के बाद जब वहाँ कॉलेज खुला और हिंदी के टीचर्स भी गए काफी संख्या में, और इस चीज ने कि मुझे मैंने एक अरुणाचली होने के नाते मुझे जुड़ना है बाकी हिंदुस्तान से, ये बताना है कि मैं सीमा के उस तरफ वाला नहीं हूँ, तो वो उसका उसका उसको उन्होंने हिंदी के माध्यम से व्यक्त किया कि हम हिंदी बोलते हैं, देखिए हम आपकी तरह आपकी भाषा बोलते हैं। तो मैं इसको मानता हूं कि हिंदी एक तरह से उनके लिए राष्ट्रीय पहचान की चीज बन गई एक्चुअली, इसलिए वो ज्यादा वहाँ प्रभावी रूप से वहाँ उसका प्रचार प्रसार हो पाया, और नॉर्थ ईस्ट में भी उसका काफी हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ है। इस समय लगभग सारे नॉर्थ ईस्ट के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, उसका विभाग है वहाँ पे और रिसर्च हो रहा है वहाँ पे अच्छा खासा। हमारे अरुणाचल में तो बहुत बेहतर स्थिति है, वहाँ करीब 35-40 तो PhD स्कॉलर हैं हमारे पास, PhD MPhil सब मिला के, तो MA की क्लास बहुत बड़ी होती है वहाँ पे। मैं आज जो मेरा विषय है, मैंने जब मैं परिचयात्मक प्रस्तुतिकरण अपना किया था तो मैंने उसमें बताया था कि हिंदी का विकास कैसे अरुणाचल में हुआ है और मैं कैसे चैप्टर्स बनाऊंगा जो हिंदी में वहाँ लिटरेचर लिखा जा रहा है अरुणाचल के लोगों के द्वारा। तो उस समय उस पर बहुत छोटी बात हुई थी और जो उस सेशन के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था कि अगले प्रेजेंटेशन में आप इसको बताइएगा। मैं एक चैप्टर तो मैंने इसका रखा हुआ है कि अरुणाचल प्रदेश की जनजातियां और उनके बारे में एक ब्रीफ जानकारी और हिंदी कैसे वहां डेवलप हुई है इसको, तो मैं इसको शायद लिख के पूरा कर देता लेकिन इधर कुछ संदर्भ मुझे नहीं मिल पा रहे थे तो उसको मैंने रोका हुआ है। बाकी मैंने उनकी विधाओं के हिसाब से काम किया है जिस जिन 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 विधाओं में वो लिख रहे हैं। मेरे पास एक उपाय ये था कि मैं इसको लेखक के हिसाब से करता, क्योंकि मुश्किल से 8-10 लेखक हैं और वो बढ़ते ही जाएंगे, मैं जब तक ये काम खत्म करूंगा तब तक हो सकता है 20-25 साइटर हो जाए, तो वो 10 हैं, तो मैंने सोचा पहले लेखक के हिसाब से करें, लेकिन इसमें मुश्किल ये थी कि फिर एक ही लेखक की रचना के बारे में मैं लिख पाता, उसकी उसकी तुलना नहीं कर पाता दूसरी रचनाओं से, तो इसलिए मैंने इसको विधाओं के माध्यम से किया ताकि अगर उपन्यास 4 लोगों ने लिखा है तो उनके चारों के उपन्यासों को समग्रता से एक दूसरे में उनके क्या उनके उनका लिंक कैसा है और कहाँ वो डिफर करते हैं एक दूसरे से, या किसने ज्यादा सटीक तरीके से चीजों को दिखाया है, इस बात को तुलनात्मक तरीके से समझा जा सके, इसलिए मैंने इसको विधाओं के हिसाब से किया है। और हिंदी में जैसा कि हम लोग पढ़ते रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में, सबसे साइंटिफिक तरीका जो हिंदी साहित्य का इतिहास का है वो ऐसा ही है, इसलिए मैं इस पे गया। एक ये भी था, एक मैंने पद्धतिगत समस्या ये भी थी कि मुझे सुझाव भी लोगों ने दिया कि समस्याओं के आधार पर इसको कर दीजिए कि स्त्री केंद्रित है और भी जो समस्या है नस्लवाद पर जो लिखा गया है वो, लेकिन मुझे ये लगा कि इसमें मुश्किल ये हो जाएगी कि अरुणाचल में
जो जिन लेखकों ने लिखा है वो इतना आइडियोलॉजिकली इतना ओवरलोड नहीं है उनके ऊपर, बोझा नहीं है उनके ऊपर इसका, तो कई बार बहुत छोटी छोटी चीजें लिखते हैं। अब वो तो फिर इन समस्याओं से अगर ऐसा करेंगे तो फिर इनसे बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने विधाओं पर ही फोकस किया है। और इस बार मैं जो दो विधाएं मैंने चुनी हैं, एक तो कविताएं हैं, एक कविता है और दूसरा नाटक। तो पहले कविता पे ही थोड़ी बात कर लेता हूं। कविता दो लोगों ने लिखी है, एक है तारो सिंदिक, उन्हें साहित्य अकेडमी का युवा पुरस्कार भी मिला है उनके कविता संग्रह के लिए, अक्षरों की विनती उनका कविता संग्रह है, 2016 में ये आया। दूसरी जो लेखिका है उनका नाम है जमुना बिनी तादर, उनका कविता संग्रह 2018 में आया, उसका शीर्षक है जब आदिवासी गाता है। ये दो किताबें आई हैं। इसके अलावा अभी एक महीने पहले एक किताब प्रकाशित हुई, ये लॉकडाउन हुआ इसके कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, तो वो मुझे मिली नहीं अभी है, वो मिल जाएगी तो मैं उसको शामिल कर लूंगा। ये दो किताबें आई हैं और इनके आधार पर मैंने इस चैप्टर को बनाया है, इसको लिखा है। दोनों ही जो लेखक हैं वो उन्होंने हिंदी की पढ़ाई की है एक्चुअली। एक है तागिन, तागिन एक जनजाति है, तारो सिंदिक तागिन से बिलोंग करते हैं, और जमुना बिनी जो है वो एक ट्राइब हुआ करती थी, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ा मामला वहां बदल गया है, उसका नाम था हिलमिरी। हिलमिरी जो है उन्होंने कुछ साल पहले निसी इलाके में एक छोटी सी जगह है कमला घाटी, वहां पे वो रहते थे। और जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी में बहुत सारा फेरबदल चल रहा है, इसको बाहर से ये दिखाई नहीं देता है। जो मेजर ट्राइब हैं, बड़ी ट्राइब्स हैं, वो एसिमुलेशन कर रही हैं, कई सारी ट्राइब को मिला रही हैं आपस में ताकि उनका नंबर बड़ा हो जाए। तो निसी लोगों ने हिलमिरी को और निसी लोगों में समझौता हुआ जिसके तहत हिलमिरी अब निसी हो गए हैं, और निसी लोगों ने उनको अपने त्योहार दे दिए, उनके त्योहारों का निसीकरण भी किया, और इस तरह से निसी लोगों की संख्या भी बढ़ गई है। तो पहले वो हिलमिरी थी और अभी वो निसी हैं। तो मैं तो हिलमिरी पहले लिखा करता था, अभी निसी लिखता हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी उससे। तो वो जो है उन्होंने, उनका बहुत बड़ा परिवार रहा है, काफी पढ़े लिखे लोग रहे, उनकी 18-19 माए थी और कुछ 72-73 भाई बहन है उन लोग। तो वो पढ़ाती हैं, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाती हैं, और तारो सिंदिक जो है वो एक कॉलेज में पढ़ाते हैं, दोनी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज है कामकी में, आलो के आगे वहां पढ़ाते हैं। मैं बात ये कहना चाहता था, जो मेरे उसमें पद्धति में भी एक चैलेंज है, वो ये कि जिन लोगों ने, इन लोगों ने हिंदी इनकी मातृभाषा नहीं है, तो इन्होंने हिंदी को चूंकि उपार्जित किया है, सीखा है और एक कैरिकुलम के तहत उसको पढ़ा है, इसलिए एक फर्क हमेशा रहता है उनकी अपनी उनकी जो अपनी मातृभाषा है उसके जो रूपक हैं, जो उसके मेटाफर हैं, जो भी उसके उसके जो वाक्य संरचना है, उसको उसकी जो चीजें देखने का तरीका है उसमें, और हिंदी में जैसे देखा जाता है उसमें, दोनों में है फर्क। और एक आदमी जो हिंदी पढ़ के आता है वो कई बार हिंदी के आग्रह से भी प्रभावित होता है, पूर्वाग्रह से भी। जैसे हिंदी का जो नवजागरण काल है उसकी जो बहसें हैं उसको पढ़ के नॉर्थ ईस्ट का एक व्यक्ति संशय में पड़ जाएगा कई बार। नॉर्थ इंडिया में जब उसको कोई पढ़ता है तो जानता है उसकी उसकी जो जमीनी हकीकत है उसको जानता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में फिर वो चीजों को ऊपर से देखता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल दूंगा, कास्ट सिस्टम को। हम जब कोई एक दलित राइटर की वहां कहानी पढ़ाते हैं तो विद्यार्थियों का फोकस इस बात पर कम होता है कि कितनी तकलीफ दलितों को होती है, उनको ज्यादा फोकस होता है कि सर क्या सच में उनके यहाँ कोई नहीं खाता है। अब ये ऐसी मुश्किल है कि हम कहानी उनको पढ़ा रहे हैं एक ऐसे समाज की जिस समाज को उन्होंने तो अब जब उनको लिखना होगा इस बारे में तो वो चीजें बहुत ऊपर से कई बार हो जाती हैं। हम उनको जितना नजदीक से जानते हैं वो उसको पढ़ के जान रहे हैं, कई बार ऊपर से ही जान रहे हैं। इन दोनों लोगों ने हिंदी साहित्य को पढ़ा है, पीएचडी की है उसमें, और काम भी अच्छा किया है। जमुना बिनी ने तो इस पर रंगमंच पर काम किया है, गिरीश कर्नाड और विजय तेंदुलकर पर काम किया है, और हिंदी के मोहन राकेश को मिला के काम किया है उन्होंने। तारो सिंदिक ने वो अपनी जनजाति के लोक साहित्य पर काम किया है। पहली जो बात है, क्योंकि मैं इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट भेजा उसमें सारा कुछ नहीं लिखा जा सकता था, मैं तारो सिंदिक ने इसको एक्सेप्ट भी किया है कि उनकी उनकी जो अपनी भाषा की सीमा है, हिंदी में उनकी अपनी सीमा है,
जमुना बिनी इसको नहीं कहती हैं, नहीं लिखती हैं। मैं जो पहली चीज देखता हूं उसको एक उदाहरण, बड़ा रोचक है चीज, वो मैं बताना चाहता हूं। ट्राइबल इलाकों में, जनजातीय इलाकों में जो बड़े पैमाने पे कंपनियां बन रही हैं और कंपनियां जा रही हैं, बड़े बांध बनाए जा रहे हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं वहां पे, तो उसका अनुभव दूसरे जनजातीय इलाकों में जैसा है, अरुणाचल में थोड़ा सा उससे भिन्न है। मैं इसको यूं बताऊं कि मैंने जितने हिंदी के लेखकों की कविताएं पढ़ी हैं बांध पर या विस्थापन पर या कंपनियों के आने पर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के, वहां एक तो वैचारिक रूप से वो बहुत लाउड हैं, भूमंडलीकरण और पूंजीवाद और इन सारी चीजों को लेके वो समझते हैं, उसकी वैचारिकी, उसकी विचारधारा से वो उनकी कविता में, उनके साहित्य में दिखाई देता है। अरुणाचल में इससे थोड़ा अलग हो गया मामला। वहां ज्यादातर तो गए डैम बनाने वाले, क्योंकि मिनरल्स वहां इतने अभी तक नहीं मिले हैं अरुणाचल की टेरिटरी में। कुछ इलाकों में असम के डिगबोई के सीमावर्ती इलाकों में कोयला ट्रेस हुआ है, वहां नदियां बहुत हैं, इसलिए वो डैम बना रहे हैं बहुत बड़े बड़े, करीब 400 डैम सैंक्स अभी तक हो चुके हैं, एमओयू हो चुका है। तो एक डैम बना और उस पर एक कविता है जमुना बिनी की। बाकी जो उस तरह के विस्थापन पर जैसा वहां होता है डैम बनने के बाद, जो कविताएं हिंदी में लिखी जा रही हैं और जमुना बिनी कविता में, फर्क यह है कि जमुना बिनी के यहाँ लोगों को पैसा मिला, उनको विस्थापित किया गया, लेकिन वे बहुत बुरी स्थिति में नहीं चले गए, उनके अस्तित्व पर संकट नहीं आया है, बल्कि उनका जो कल्चरल उनका जो फ्रेमवर्क है वो थोड़ा बदल गया, वो उस पर लिखती हैं। उनकी कविता में कहीं एक जगह भी मुझे एक सेंटेंस, एक वाक्य ये नहीं दिखाई दिया, या एक बात, एक रूपक ये नहीं दिखाई दिया कि डैम बन जाने के बाद से लोग हमारे यहाँ विस्थापन सह रहे हैं, भूख सह रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारे लोग चंदा लेने वाले हो गए हैं, हमारे लोग पैसा का उगाही करते हैं जाके वहां के अधिकारियों से। मैं ये इसलिए मैं इसको बार बार उल्लिखित कर रहा हूँ, और जब से मैंने किताब पढ़ी तब से ही उल्लिखित कर रहा हूँ कि ये फर्क है एक कवि का, जो कि अरुणाचल जैसी जगह पर है, उसने बहुत ईमानदारी से बिना किसी दूसरे पूर्वाग्रह के, अगर वो चाहते तो देशभर के उदाहरण लेके वहां लिख देते कि उसके लोग जो हैं, उनके लोग बहुत परेशान हैं, उन्होंने साफ लिखा कि हमारे लोगों की समस्या ये है कि हम सांस्कृतिक रूप से बदल गए, हमारे लोग जो मेहनत करते थे अभी वो चंदा मांगते हैं, वो भूखे नहीं मर रहे हैं, क्योंकि अरुणाचल में इस तरह की स्थिति अभी नहीं है कि कोई भुखमरी और इस तरह का मामला हो। वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट का काफी फंड जाता है वहां पे और वो सर्कुलेट भी होता है। इसी बात को लेकर मैंने, मेरा कहने का मतलब ये था कि आदिवासी सामान्य तौर पर जो ट्राइबल लोग लिख रहे हैं देश भर में, उसमें अस्तित्व और अस्मिता दोनों का सवाल है। अरुणाचल में वो मेनली अस्मिता का सवाल है, मुख्य रूप से वो अस्मिता का सवाल है, उनकी अपनी पहचान का सवाल है। तारो सिंदिक भी अपनी कविताओं में शहरीकरण को लेकर परेशान होते हैं कि शहर जिस तरह से हमारे यहाँ बढ़ रहा है, शहरी संस्कृति जैसे बढ़ रही है, उपभोक्तावादी संस्कृति जैसे आ रही है, वैसे हमारा जो जनजातीय जीवन है वो सिकुड़ता चला जा रहा है, वो छोटा होता चला जा रहा है, हमारी अपनी मान्यताएं छोटी होती चली जा रही हैं। ये एक चिंता दोनों के यहाँ दिखाई देती है। जमुना बिनी इसको लेके बहुत लाउड है, तारो सिंदिक उस तरह से नहीं है, जमुना बिनी इसको लेके बहुत, उनकी कविताओं में बहुत तीखापन है। भाषा का सवाल, जो कि अभी देखिए मैं ये कह रहा हूं और ये मेरा काम भी इस पर है कि अरुणाचल के लोग हिंदी में जो लिख रहे हैं उस पर मेरा ये पूरा विश्लेषण है। जमुना बिनी की एक हिंदी में लिखी हुई कविता ये कहती है कि हमारे लोग हिंदी बोलने लगे हैं अब ज्यादा, वो अपनी भाषा भूल रहे हैं। तो ये भी एक चिंता जाहिर करती है वो, कि मैंने वो बॉलीवुड का गाना सुन रहे हैं, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं और उस तरह की संस्कृति में ढलते चले जा रहे हैं, तो हमें अपनी भाषाओं का भी गौरव बचाए रखना है, बनाए रखना है। दोनों ही कवियों को जितना मैंने समझा दोनों को, तारो के यहाँ मैं जो कह रहा था कि एक पूर्वाग्रह जो आता है कई बार हिंदी समाज का, तारो के यहाँ मुझे थोड़ा सा वो दिखाई देता है कई बार, जैसे कि धार्मिक मसलों पे वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आगे, माने उनका उनके उनके उनका जो एग्रेशन है वो उनकी कविता में दिखने लगता है, धार्मिक मसलों को लेके, कैसे परिवर्तन और इन सारी चीजों को लेके।
जमुना भी नहीं और तारु सिंधिक दोनों को देखने से मुझे दोनों का जो काव्य व्यक्तित्व है उसमें फर्क, दोनों में उन्हें दो भाग हैं उसके। एक है जहां वो कुछ निजी तौर पर कहना चाहते हैं अपने माँ के बारे में, पिता के बारे में कविता तारु सिंधिक ने लिखी है, जमुना बिनी ने लिखी है। जब वो बहुत प्रेम के बारे में, प्रकृति के बारे में जब वो लिखते हैं तो वो बहुत बहुत ज्यादा आत्मकेंद्रित हो जाते हैं, और जब वो समाज के बारे में लिखते हैं, बाहरी दुनिया के बारे में लिखते हैं, समस्याओं के बारे में लिखते हैं तो वो बहुत ज्यादा लाउड है। जमुना बिनी तारों से ज्यादा लाउड है, लेकिन दोनों ही लाउड है। दोनों की चिंता है कि कैसे उनके समाज में राजनीति, मैं ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट में और अरुणाचल में तो विशेष तौर पर मैं पिछले 8 सालों से वहां काम कर रहा हूं, राजनीति का जो मॉडल है जो पूरे भारत में सर्वस्वीकृत है, भारत सरकार का संविधान का जो मॉडल है, वो एक ट्राइबल बेल्ट में जाता है तो एकाएक उनको लगता है कि ये कोई दूसरी अनोखी चीज है, और उन दोनों का सामंजस्य बनने में बहुत समय लगता है। ये इसके चलते बहुत सारी दिक्कतें जो राजनीतिक तंत्र से समाज में चली जाती हैं, इसको लेके भी दोनों ने बहुत चिंता व्यक्त की है, दोनों की कविताओं में दिखता है। नाटक बहुत पावरफुल एक ही प्ले है, लेकिन बहुत पावरफुल प्ले है। ताई तुगुंग नाम के एक निसी जनजाति के अध्यापक ने उसको लिखा है। वो एक पत्रिका आती है साहित्य अकेडमी से छपती है, उसमें वो नाटक प्रकाशित हुआ था भारतीय साहित्य, तो उसमें प्रकाशित भी हुआ था वो नाटक, और काफी समय पहले की बात है, 2013 की। बाद में उन्होंने उसको रिवाइज किया और 2017 में वो पब्लिश होके आया। उसका नाम है लप्या। नाटक अरुणाचली हिंदी में लिखा गया है। निदेशक महोदय जो ये कह रहे थे कि वहां अरुणाचल में लोग अलग तरह की हिंदी बोलते हैं, वहां की हिंदी जो है वो मानक हिंदी से अलग है, तो ये बात सच है। हिंदी या ऐसी कोई भी भाषा वो जहां जहां बोली जाती है वो अलग अलग रूप ग्रहण कर लेती है, उसका अलग अलग हिसाब से बोली जाती है। हरासद है यहाँ पे, वो जानते हैं कि दक्षिणी हिंदी जो हैदराबादी हिंदी है क्या मजेदार है, उसका अलग ही तेवर है और अलग ही उसका टोन है। तो जहां जहां हिंदी गई उसने अपने अपने तरीके से अपना अपना रूप अख्तियार कर लिया, और यही उसकी विशेषता है। किसी भी भाषा की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो कितने तरह के रूप इख्तियार कर लेती है। तो अरुणाचल में एक अरुणाचली हिंदी विकसित हो गई है। हम अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि आप बोलो अरुणाचली हिंदी, लेकिन जब आप लिखते हैं तब आप मानक हिंदी का प्रयोग करिए, क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई का करिकुलम का मसला है। वो हिंदी अरुणाचली हिंदी में लिंग भेद नहीं है, वो हर चीज जाता है, हर चीज खाता है, और मैंने बहुत कम चीजें हैं, जब बहुत कम बार ऐसा है जब वो स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, ज्यादातर मामलों में पुलिंग का ही प्रयोग होता है। महा जो प्राण ध्वनियां हैं उनका प्रयोग बहुत कम है, मसलन खाना को काना कह दिया जाएगा कि काना का लो, तो ये खाना खा लो। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि लप्या वो पहली किताब है जो अरुणाचली हिंदी है, इसके पहले कोई किताब अरुणाचली हिंदी में नहीं लिखी गई। ये बहुत मुश्किल टास्क था, क्योंकि हिंदी पढ़ने वाला एक आदमी जिसने मानक हिंदी वाले के लिए भी और पढ़ने वालों के लिए भी होगा, क्योंकि हमने मानक हिंदी पढ़ी है, उसमें हमको इस तरह की एक स्थानीय हिंदी में पढ़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेखक ने इसको बहुत बढ़िया से बरता है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से अरुणाचली हिंदी में ताई तुगुंग ने उसको लिखा है। आप ये भी जानें कि ताई तुगुंग खुद बहुत अच्छे अभिनेता हैं। अरुणाचल की हिंदी, अरुणाचल में हिंदी फिल्में काफी बनी हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्में बनी हैं। उसमें एक फिल्म है ईटानगर 0 किलोमीटर, उसमें वो मुख्य नायक की भूमिका में थे ताई तुगुंग। वो नाटक यूं है कि एक लड़की है जो हॉस्टल में रह के पढ़ती है बाहर, और वो अपने उसके पिता के की बीमारी की सूचना देके उसको गांव बुला लिया जाता है, और जब वो पहुंचती है तब उसको पता चलता है कि उसके साथ तो छल किया गया है। वो छल क्या है? ट्राइबल समाज, इस नाटक को पढ़ के आप सीधा चीजें समझ में नहीं आती हैं एक झटके में, क्योंकि जनजातीय जो जीवन है उसकी उसकी जो है अपनी कई बहुत बहुत मैंने अपनी विशेषताएं हैं, उसकी मुख्तलिफ विशेषताएं अपनी है, जो इसीलिए उसको बिना समझे हम ये नहीं जान सकते कि जनजातीय समाज में ऐसा क्यों हुआ। उसका जो पिता है वो जिस गांव में रहता है
वहां वो आके बसा हुआ है, क्योंकि जहां जहां से वो आया था वहां कभी आग लग गई और सारी संपत्ति उसकी जल गई, और वो इस दूसरे गांव में शरणार्थी बन के आया है। इसीलिए उसको उस गांव में वो सम्मान हासिल नहीं है जो वहां के मूल बासिंदों को हासिल है। उसकी एक बेटी है, एक बेटा है, वो अपने बेटे की शादी करना चाहता है, बेटी भी करना चाहता है। गांव का जो मुखिया है उसका बेटा जो थोड़ा मंद बुद्धि है, तचो नाम है उसका, मंद बुद्धि है, लोगों का सामान चुरा लेता है, उनकी मुर्गियां चुरा लेता है, अंडे चुरा लेता है, परेशान करता है, दिमाग उसका नहीं अच्छा है। अब मुखिया के पास बहुत सारी संपत्ति है। संपत्ति क्या है, हम लोग संपत्ति का मतलब सीधा रुपया पैसा समझते हैं। उसके पास ढेर सारे मिथुन है। मिथुन एक पशु है जो गाय की ही ब्रीड का है, लेकिन थोड़ा अलग किस्म का है। उसके पास ढेर सारे मिथुन है, जमीन है और गहने हैं, पत्थर के मनकों की जो माला आती है वो लाखों की होती है इस समय। अगर उसको आप बाजार में जाएंगे ईटानगर में पूछने तो एक पत्थर के मनके की माला की कीमत 2-2.5 लाख रुपए होती है। तो वो उसके पास ढेर सारा है, खानदानी बर्तन है, सामान है, तो वो सारा कुछ है उसके पास। लेकिन उसका बेटा पागल है तो कोई लड़की नहीं देता है उसको, एकाध कोई आई भी तो भाग गई। तो ये जो तमर है जिसकी बेटी है वो अब वो अपने बेटे की शादी करना चाहता है। अब यहाँ एक और क्लू बताऊं मैं आपको। सामान्य तौर पर उत्तर भारत में आप देखते हैं कि दहेज की एक बहुत बड़ी बीमारी फैली हुई है और काफी लंबे समय से फैली हुई है। करोड़ों रुपए लोग देते हैं और उसके बाद भी दहेज हत्याएं हो जाती हैं। लड़की वाले देते हैं लड़के वालों को। अरुणाचल के तानी जो जनजातीय समूह है उसमें लड़की वाले नहीं देते हैं, लड़के वाले देते हैं लड़की वालों को। पहली बार जो आदमी ये सुनता है तो सोचता है अरे तो बड़ा अच्छा है कि लड़के वाले देते हैं लड़की वालों को, ये उतना ही खराब है जितना कि लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं। दोनों ही मामलों में लड़कियों की ही जान आफत में फंसती है। कैसे कि जब लड़का वाला पैसा देता है लड़की के पिता को तो वो एक एग्रीमेंट के तहत देता है कि वो लड़की यहीं आके रहेगी, हमारे घर में बच्चे पैदा करेगी। ऐसा नहीं है कि वो शादी टूटेगी तो सारे मिथुन वो सारे गहने सब वापस करना पड़ेगा, और ये इतना आसान काम नहीं होता है। तो मैंने लिखा भी इसको है कि दहेज चाहे लड़की की तरफ से लड़के को जाए चाहे लड़के की तरफ से लड़की को जाए, मरना लड़की को ही है दोनों परिस्थितियों में। उसमें दोनों परिवारों में अपना पैसे का लेन देन हो जाता है। तो होता यूं है कि उसका पिता जो लड़की का पिता है तमर, वो सोचता है कि मुझे अपने लड़के की शादी करनी है तो मुझे मिथुन देना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास मिथुन होना चाहिए। मिथुन कैसे होगा कि मैं अपनी लड़की की शादी ऐसी जगह कर दूं जो हमको मिथुन दे। और एक प्लानिंग के तहत वो जाके मुखिया से बात करता है। मुखिया उससे अपना दुखड़ा रोता है कि मेरा इतना संपत्ति क्या होगा, बच्चे नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये तो मेरा तो भविष्य अधेरा है, मेरा बच्चा मंद बुद्धि है। तो वो बोलता है कि मैं अपनी बेटी आपको दूंगा। वो बड़ा खुश हो जाता है। उसके बदले वो ढेर सारा मिथुन संपत्ति सारी चीजें उसको देता है, वो ले आता है ताकि उससे फिर वो अपनी लड़के के लिए लड़की ला सके, बहू ला सके। लड़की शहर में पढ़ती है, जब वो उसको धोखे से बुला लिया जाता है क्योंकि वो जानते हैं कि वो नहीं मानेगी इस बात के लिए, तब उसको पता चलता है। जब उसको पता चलता है तो ये वो एकदम इनकार कर देती है, बहुत सारा संघर्ष करती है इस बात के लिए कि नहीं मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं पढ़ूंगी लिखूंगी, आपने मुझे कैसे बेच दिया। लेकिन फाइनली वो उसको वहां भेज देते हैं। वो सरेंडर नहीं करती है, नहीं मानती है, तो तब लप्या शुरू होता है। लप्या असल में एक दंड विधान है जिसमें अगर इस शादी की इस पूरी प्रक्रिया में लड़की नहीं मानती है, उसके घर वाले ये बोल देते हैं कि भाई हमने ले लिया है पैसा, लड़की को आप ले जाओ, आप जैसे चाहो वैसे समझो, अगर ये हो जाता है तो लड़के वाले लड़की को ले जाते हैं और वो नहीं मानती है तो उसके पैर में लकड़ी का एक बहुत मोटा कुंदा बांध दिया जाता है और उसको रख दिया जाता है। उसके बाद या तो वो सरेंडर कर दे, उसको खाना पीना कम दिया जाता है, और या और वो लड़का जिसकी पत्नी वो नहीं बनना चाहती है वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, और जब वो गर्भवती हो जाएगी तभी वो छूटेगी वहां से।
इस तरह से इसको तो ये तो रेप है एक्चुअली। तो ये उस लड़की को लप्या दिया जाता है और वो लप्या में रहती है और एक दिन मर जाती है। इस पर ये नाटक है, बहुत ही बहुत मर्मस्पर्शी, बहुत भावपूर्ण नाटक है। और जो ये बताता है कि जनजातीय समाजों की जो कुप्रथाएं हैं, जो कुरीतियां हैं, वो कितनी कितनी मनुष्य विरोधी हैं और उनका उनका उनको उनको हटाया जाना चाहिए। मैं इसको ऐसे भी देखता हूं कि हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक, मैं तुलना केवल जिक्र करूंगा, तुलना इसकी करूंगा भी नहीं क्योंकि ये बहुत उल्टा हो जाएगा। हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध लेखक है मार्कंडेय, उनकी एक कहानी है हलयोग। उस कहानी में मैंने इस सजा के बारे में पढ़ा था। मार्कंडेय यूपी के रहने वाले थे, जौनपुर के, और मैं ये हैरान हुआ कि मैं खुद उधर उसी इलाके का हूं और उस जगह पर भी इस तरह की सजा का प्रावधान था। एक दलित लड़का है जो पढ़ लिख लेता है, समझदार हो जाता है, तो कुछ समझदारी की बातें करता है कि नहीं, हमें बेगार नहीं करनी चाहिए, और उसको गांव के दूसरी जातियों के लोग, बड़ी जातियों के लोग उसको पागल घोषित कर देते हैं। पागल घोषित करके उसको हलयोग दे देते हैं। हलयोग वही है, लकड़ी के एक गट्ठर में आपका पैर घुसा के बांध दिया जाएगा, लकड़ी के एक उसमें कुंदे में, और फिर वो मर जाता है। मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जनजातीय समाज, कबीलाई समाज, जिनको कि सामान्य तौर पर ये एक फैशन हो गया है पोर्ट्रे करना कि वो बहुत बढ़िया समाज है, या तो फिर कहा जाता है कि बहुत खराब समाज है, बहुत बुरे समाज है, बाइनरीज के बीच में जो चला जाता है कि या तो बहुत अच्छे हैं या तो बहुत बुरे हैं। मुझे, मैं बहुत दिन से इस बारे में लिख रहा हूं कि ये गलत है, ये देखने का तरीका ही गलत है। जनजातीय समाजों की अपनी बहुत सारी दिक्कतें हैं, उनके उनके स्ट्रक्चर में, उनके समाज में बहुत सारी दिक्कतें हैं, और उसको उसको हटाया जाना चाहिए। और वो कोई राक्षस नहीं है, कोई डेमन नहीं है, ये ऐसे ऐसे भी पोर्ट्रे करना उनको गलत होगा। लप्या के बाद दूसरे कई यूनिट में इस तरह का जिक्र आएगा, जहां कहानियां लिखी गई हैं औरतों की जिंदगी पर, उसी जनजाति की औरतों की जिंदगी पर, और बहुत भावपूर्ण कहानियां हैं। ये बताता है कि किस तरह से औरतों को सिर्फ दो चीजें मानी गई उनके लिए, प्रोमिनेंट काम दो माना गया, जो जैसे ही जनजातीय समाज या समाज संरचना का जैसे विकास होने लगा तो दो ही चीजें प्रोमिनेंट मानी गई, एक तो काम करना, दूसरे बच्चे पैदा करना। आप हैरान होंगे, लेकिन हम सब वहां वहां के जो लोकल लोग हैं, विद्वान, वो भी कहते हैं कि अगर औरतें ना हो तो घर का काम नहीं चलेगा। वो कई कई शादियां कर लेते हैं कि वो खेती बाड़ी सारा काम औरतें ही करती हैं, आदमी बैठ के अपोंग पिएगा शाम को जो बना दिया जाता है उसके लिए। तो इन दो चीजों के लिए हितेंद्र हंस रहे हैं तो इन दो चीजों के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर काम का भी बोझ है, बच्चे पैदा करने का बोझ है। बच्चे पैदा करने का बोझ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 8-8 बच्चे पैदा हो जाए तो बोझ ही है। तो ये जो है उस समाज की कुरीति को बहुत हिम्मत के साथ ताई तुगुंग ने लिखा है। नाटक ये बताता है कि आजादी कितनी बड़ी चीज है, मरने के बाद ही अगर मुक्ति मिल जाए तो भी मुक्ति ही चाहिए, बंध के किसी लप्या में रह के जीवन से बेहतर है कि आदमी मर के मुक्त हो जाए, ये नाटक के आखिरी हिस्से में लेखक ने लिखा है। तो ये इन दो चीजों पर मैंने अध्याय इस बार लिखा है। तो मैं चाहता हूं कि अब आप लोग बात करें, काफी समय हो गया। धन्यवाद सभी को। आप लोग सवाल चाहें तो अपना फीडबैक दें, अपना सवाल पूछें। एक छोटा सा सवाल था जी। आपने कहा कि ये जो हिंदी है ये मानक हिंदी नहीं है, तो इसमें जो इन्होंने लिखा है जो नाटक लप्या,
तो इसमें कुछ लाइक ग्रामर भी कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल हुई है या खाली बोलचाल को ही उसको पकड़ कर के बोलचाल की ही जो अरुणाचल प्रदेश की जो आपने बताया हिंदी है उसी बोलचाली हिंदी को ही इन्होंने इस्तेमाल करके प्रिंट एक तरह से हुआ है या कुछ इसकी लिपि भी कुछ अलग है? नहीं नहीं लिपि तो देवनागरी लिखी है उन्होंने, लेकिन जो आपने एक महत्वपूर्ण बात कही ग्रामर वाला जो इशू है, जो अरुणाचली हिंदी में जैसे बोला जाता है और वो भी निसी इलाके में जैसा बोला जाता है हिंदी को, उसको उन्होंने लिखा है, तो उसका कोई व्याकरण तो नहीं है। ये उन्होंने भूमिका में लिखा भी है कि इसमें आपको बहुत सारा दोष मिलेगा, तो मैं उनको बोला भी इस बार कि दोष नहीं है, दोष तब है जब मैं उसको मानक हिंदी से देखूंगा, अरुणाचली हिंदी के हिसाब से उसमें दोष नहीं है क्योंकि लोग वैसे ही बोल रहे हैं। और वो भी समझिए कि मैडम निसी जो बेल्ट में जैसे बोला जाता है अरुणाचली हिंदी को वैसे, फिर आप मिसमी बेल्ट में जाएंगे तो वो हिंदी को ही फिर दूसरे तरीके से बोलते हैं। खूबसूरत है एक तरह से भाषा में से और भाषा में निकल रहे हैं। जी जी बिल्कुल जी। थैंक यू अभिषेक। हाँ चहल सर बोलिए। हाँ तो कुरुक्षेत्र में है, क्या चाहते हैं आप? हाँ कुरुक्षेत्र आप तो सवाल पूछना चाह रहे हैं। डॉक्टर अभिषेक सबसे पहले आपको बधाई। धन्यवाद। बड़ी वंडरफुल प्रेजेंटेशन लगी मुझे आपकी जी। और दूसरा मेरा एक सवाल और थोड़ा सा छोटा सुझाव भी है। एक्चुअली एक लुइस डुमोंट की किताब है होमो हायरार्कस, आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट द बुक लुइस डुमोंट कास्ट सिस्टम की किताब होमो हायरार्कस, और एक मार्टिन क्लास की किताब है द इमर्जेंस ऑफ एन साउथ एशियन ऑर्डर। तो अगर ये किताबें देखें और भी कई सारे रिसर्चेज हैं कास्ट पे, तो इसको एक पूरा साउथ एशियन फिनोमिना हम लोग मानते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का मुझे नहीं पता क्योंकि ये आपका एरिया है ज्यादा, लेकिन क्या जैसे आपने अपने प्रेजेंटेशन में भी कहा कि वो लोग जब कास्ट के बारे में आप पढ़ाते हो तो वो लोग बड़ा सवाल भी उनके ऐसे होते हैं कि जैसे उनको कुछ भी पता ही नहीं कास्ट सिस्टम के बारे में। तो ये कास्ट सिस्टम अगर साउथ एशियन फिनोमिना इसको जैसे स्कॉलर मानते हैं तो आपके यहाँ पहला तो ये हिस्टोरिकली ये कितना पेनिट्रेट हो पाया या कितना नहीं नॉर्थ ईस्ट में, और कुछ ना कुछ तो इसका मेरे ख्याल इम्प्लीकेशन होगा वैसे वहाँ, तो एक तो मैं ये जानना चाह रहा था क्योंकि पूरे पूरे साउथ एशियाई जो देश हैं, दूसरे भी जो कंट्रीज है ना, जो इवन साउथ एशियन और ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी हम कास्ट सिस्टम का किसी न किसी रूप में रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो आपके एरिया में नॉर्थ ईस्ट में पर्टिकुलरली अरुणाचल में आप कास्ट सिस्टम को किस रूप में मतलब आप देख रहे हैं? और दूसरा जो आपने सोशल इविल्स की जो बात करी ना, ये आपका मुझे अच्छा लगा आपका ऑब्जर्वेशन कि एक तरह से इसको ट्राइबल समाजों को एक तरह से इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि वहाँ रोमांटिसाइज किया जाता है कि वहाँ कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन आपने एक स्टोरी का जो जिक्र किया कि और लड़की के साथ जो होता है और उसका आपने एक तरह से डायरेक्टली कंपैरिजन भी किया था, जैसे कास्ट सिस्टम का एक कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन उसका एक एग्जांपल देके। तो पैट्रियार्की और ये कास्ट जो प्रॉब्लम है ये कुछ कुछ मिलती जुलती भी है। तो मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा था कि जो इस तरह की जो सोशल इविल्स हैं ट्राइबल समाजों में पर्टिकुलरली अरुणाचल में, इन सोशल इविल्स को खत्म करने में बाद में बुद्धिजीवियों का और सरकारों का कुछ रोल रहा है, ये मैं जानना चाहता हूँ। थैंक यू। चहल सर मैं सिर्फ दो तीन बातें कहूंगा आपसे, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक तो ये कि जो कास्ट का फेनोमेना आप बता रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, मैं केवल पर्टिकुलर अरुणाचल की बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट में असम भी है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, जहाँ और सिक्किम में भी, जहाँ जातिगत जाति के आधार पर बटे हुए समाज है। तो केवल मैं स्पेशली अरुणाचल की बात कर रहा था, जहाँ की जनजातीय समाज है वहाँ जो फर्क है वो जातियों के आधार पर नहीं है, क्योंकि जाति वाला कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ ट्राइब वाले फेज में। वहाँ एक ट्राइब का दूसरी ट्राइब से झगड़ा है वो है, लेकिन वो ट्राइब के आधार पर है। हाँ उनके अंदर जो क्लेन है
वो क्लेन अपनी जो उनका वंश परंपरा है उसके हिसाब से वो आपस में ये मानते हैं कि ये हमारे गोत्र के हैं, ये हमारे गोत्र के नहीं है। लेकिन जिस तरह का फिनोमेना उत्तर भारत में जाति का है, मैं हिंदी साहित्य की मैं जो उदाहरण दिया था वो ये ऐसा दिया था कि हम जब हिंदी साहित्य की कोई कहानी ऐसे पढ़ाते हैं दलित साहित्य की, तो तब ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो वो कहानियां बेसिकली लिखी गई हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, इन इलाकों का जो प्लॉट है वो उनके लिए मुश्किल होता है समझना। अगर शायद कोई ऐसी कहानी हो जो ये बताए कि कैसे, और ऐसा एक उपन्यास भी लिखा गया है नॉर्थ ईस्ट में, असमिया में लिखा गया, अरुणाचली आदमी ने लिखा, उसका हिंदी तर्जुमा भी है साहित्य अकेडमी से, मौन होठ मुखर हृदय। उसमें होता यूं है कि लड़की है असेल दुखपेन और लड़का है निसी, तो उनकी शादी नहीं हो पाती है आपस में क्योंकि दोनों तो दो ट्राइब के लोग हैं। अगर ऐसी कहानी लिखी जाती तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आती। मैंने मेरा कहने का फर्क मतलब ये था कि हिंदी का जो हिंदी की जो जातीय स्मृति है, हिंदी का जो समाज है, उसकी जो उसका जो उसकी जो जटिलता है वो उनके समाज की जटिलता थोड़ा अलग है, ये मेरा कहने का मतलब था। जनजातीय समाज की जटिलता से वो अलग है। और फिर मैं ये कहूँ कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि जनजातीय समाजों की जटिलता से अलग है, तो इसका ये मतलब नहीं कि भारत की समस्त जनजातियों की बात कर रहा हूँ, वो केवल अरुणाचल का मामला है। क्योंकि जैसे ही आप झारखंड में जाएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे, तो गोंड लोगों को या भील लोगों को ट्राइबल तो ट्राइबल, उनको उनके यहाँ तो उन्हें कास्ट का भी उनको उनकी मुश्किलें उनके सामने खड़ी हो जाती है। तो ये केवल अरुणाचल के बारे में मैं कह रहा था। अभिषेक जी, जी जी सर, अभिषेक जी, मैं दरअसल सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ, मुख्य धारा से अलग दो रचनाकारों का परिचय आज आपने दिया। लेकिन मैं अपनी एक चिंता भी आपसे साझा करना चाहता हूँ, वो ये कि हम साहित्य के आलोचक के बजाय इस तरह के काम में समाज शास्त्री होने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि दरअसल वो अनुशासन हमारा अनुशासन नहीं है। मेरी जिज्ञासा केवल ये जानने की है कि ये जिन दो रचनाकारों की आज आपने चर्चा की, रचना के स्तर पर अंततः साहित्य का मूल्यांकन साहित्य की कसौटी पर ही होगा, रचना के स्तर पर वे दोनों रचनाकार किस तरह के हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जैसे बहुत सारी लोक भाषाओं ने हिंदी को समृद्ध किया, क्या आपने वहां रहते हुए ये महसूस किया कि कुछ शब्द ऐसे हैं जो धीरे धीरे हिंदी में भी शामिल हो गए हों अरुणाचली भाषा के, ऐसा कोई शब्द जो हिंदी के व्यवहार में भी आने लग गया हो? सर, मैं पहली बात का जवाब देता हूँ क्योंकि मुझे ये लगा ही था कि आप नहीं तो हितेन सर कोई ना कोई ये पूछेगा। मैं ये एब्स्ट्रैक्ट की सर सीमा है, मैं जब लिख रहा था तो मैंने उन दोनों रचनाकारों की जो रचनात्मक क्षमता है और जो उनकी कृतियों का जो क्या कहेंगे इसको कसाव है, जो गठन है, उस पर भी मैंने लिखा है उसमें। और रचना के स्तर पर देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूँ सर कि भाषा का मामला मैंने छोड़ के देखा हुआ है। रचना के स्तर पर ये रचनाएं उतनी माने उनका गठन उस तरह से नहीं है जैसे कि हिंदी के किसी अच्छे और बढ़िया कवि की हो का गठन ऐसा जैसे उनकी कविताओं का होता है। लेकिन शिल्प के स्तर पर उनकी रचनाएं बहुत सरल हैं, सरल हैं विषय के स्तर पर भी और शिल्प के स्तर पर भी। बहुत ज्यादा रूपकों का या उपमानों का प्रयोग या इस तरह की अमूर्तता का प्रयोग उनके यहाँ नहीं है। उनकी रचनाओं में उसकी उसकी बुनावट में बहुत ज्यादा अमूर्तता का प्रयोग नहीं है, शब्द शक्तियों का जिसको कहते हैं उस तरह का प्रयोग नहीं है। तो वो वहाँ एक सरलता दिखाई देती है उस रचना में भी, जैसे कि कोई कह रहा हो आपसे एक बात। और दूसरी सर बात जो मैं आपसे जो आप पूछ रहे थे, हिंदी में तो सर इस तरह का कोई शब्द नहीं आया है अभी तक। अलबत्ता आपको एक रोचक बात बताऊं कि हिंदी के कई सारे शब्द जो हैं वो उनका अर्थ विस्तार हो गया है अरुणाचल में। कैसे कि जैसे खतरा शब्द है
हम लोग सामान्य तौर पर उसको यूं समझते हैं कोई बहुत भीषण चीज होगी और इस बात का खतरा है। वहां आपको देखेंगे तो बोलेंगे अरे तो खतरा विद्वान है। तो खतरा विद्वान मतलब बहुत बड़े विद्वान है वो। अच्छा। खतरा सुंदर है। तो वो शब्दों का कई शब्दों का विस्तार हो गया है। इस तरह की चीजें कई हुई हैं। हिंदी के कई सारे शब्दों के दूसरे अर्थ निकल गए। जैसे रहने के लिए बैठने शब्द का प्रयोग, सर आप कहाँ बैठता है, वो इसका मतलब ये है कि आप कहाँ रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं, ये हुआ है। लेकिन सर उनका कोई शब्द हिंदी में, लेकिन सर एक बात मैं आपकी आपकी बात से मुझे बहुत मैंने, हम लोग कह रहे हैं प्रोफेसर एक हुआ करते थे नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाते थे, उन्होंने भी इसका बहुत जिक्र किया और कई बार मन से उन्होंने कहा कि हिंदी को चाहिए कि वो इस तरह के जनजातीय भाषाओं के कुछ शब्दों को अपने में शामिल करे और उनका उनका प्रसार हो, तभी तो लोग जुड़ाव महसूस करेंगे, तभी तो भाषा भी समृद्ध होगी, हिंदी भी समृद्ध होगी। लेकिन सर मैं इन दोनों कवियों ने किया है इस तरह का प्रयोग। इन्होंने अपनी हिंदी कविता में, जमुना बिनी ने खास तौर पर, कई लोकल शब्दों का प्रयोग किया है, इन कवियों ने किया है। लेकिन जो हिंदी बेल्ट के लोग हैं उस तरह से उन्होंने नहीं किया, लेकिन जमुना बिनी ने किया है। मैं इसको मैंने देखा है, मैंने जमुना बिनी ने कई हिंदी शब्दों लोकल शब्दों का प्रयोग किया है। मैं कहिए तो एक फर्ज आपको थोड़ा सुना बता भी सकता हूँ, एक आध शब्द ऐसे। अभिषेक जी, मेरी अप्पा, हाँ अप्पा एक शब्द है, उसका प्रयोग किया उन्होंने जी। हाँ अभिषेक जी, जस्ट एक मैं फुटनोट हाड़ा साहब ने जो कहा जी। पर ही मैं थोड़ा सा आगे लेना चाहता हूँ कि आज के आपके प्रेजेंटेशन में आपने जो पद्धति के बारे में जो अपना चिंतन प्रकट किया वो बहुत मेरे हिसाब से जरूरी है, क्योंकि अंत में हम कौन सी पद्धति अपनाएंगे इन लेखकों को समझने के लिए, यही मूलतः है एक पहले ही निर्धारित करने वाला विषय हो सकता है। या तो आप एक एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच लें, जैसे अभी भी आप कह रहे हैं, ये देखिए ये दिलचस्प बात है कि रहने के लिए बैठना कहते हैं और ये एकदम खतरनाक विद्वान है या व्हाटएवर, तो इस तरह से हम इसको एक एंथ्रोपोलॉजाइज कर सकते हैं। या तो हम लिटरेरी पर्सपेक्टिव ले सकते हैं, जैसे हाड़ा साहब ने कहा कि इसमें देखिए कि रचना में कितना दम है, कितनी ताकत है, जैसे हम नॉर्मली जिस तरह का हम विश्लेषण करते हैं उस तरह से भी हम अप्रोच कर सकते हैं। और फिर आपने ही खुद सवाल ये उठाया था पहले कि जॉनर वाइज आप उनका विश्लेषण करेंगे या लेखक वाइज करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि इन चीज़ों के बारे में आपकी अभी स्पष्टता बनी नहीं है, जो बननी मेरे हिसाब से अपेक्षित है या बननी चाहिए। तो इसी तरह मतलब एक यू माइट से, अगर मैं कहूँ तो एक एनेक्डोटल टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हो रही है इस विषय की। तो मुझे ये लग रहा है कि आपको दूसरे लोगों से भी बहुत अच्छे इनपुट्स मिलेंगे, लेकिन एज अ फेलो स्कॉलर मैं तो कह सकता हूँ कि आपको ध्यान सबसे पहले इस पे देना पड़ेगा कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या है, पद्धति क्या है, और ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। आपने जॉनर वाइज तो बता भी दिया है, लेकिन अभी लग रहा है कि लेखकों की कमी है, जैसे कवियों को लेके आपने एक ही कवि का अभी जिक्र किया, शायद ज्यादा भी हो सकते हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि क्या पता लॉकडाउन तक और एक आध किताब भी निकल आए, तो ये थोड़ा सा मुझे इसकी चिंता हो रही है। उसी तरह आपने ड्रामा को लेके भी ज्यादातर एक ही प्ले राइट का आपने ये उदाहरण लिया है, तो मुझे लगता है कि जो प्राथमिकता होनी चाहिए इस स्टेज पर जो आपका रिसर्च है उसमें, यही के जो मेन चीजें हैं आपके शोध कार्य में, जो मुख्य अवधारणाएं हैं उस पे कुछ स्पष्टता हो ना, तो मुझे लग रहा है कि फिर जैसे आप टेक्स्ट निर्धारित कर लें या लेखक निर्धारित कर लें, फिर उनका विश्लेषण करने में भी आपको फिर आसानी हो जाएगी लेटर। नहीं तो अभी ये उसी तरह आप, जैसे हम चाय पे चर्चा होती है उसी तरह आप इन लोगों के बारे में हमें समझा रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है, माफ कीजिए आप गलत मत समझे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो और दो घंटे सुनने को मतलब तत्पर हूँ, क्योंकि इतनी नई इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है
आपके जरिए से, लेकिन जब मैं हमेशा देखता हूँ इसका एंड प्रोडक्ट किस तरह की किताब निकलेगी, वो मैं ध्यान में रख के अगर आपको कुछ अपनी ये दे दूँ, रिस्पांस दे दूँ या प्रतिक्रिया दे दूँ या मेरी चिंताएं आपको बता दूँ, तो मुझे सबसे पहले यही लग रहा है कि जो मूल आपके जो आपकी जो अवधारणाएं हैं पद्धति को लेकर के, टेक्स्ट को लेकर के, या आपकी मेथोडोलॉजी को लेकर के, है ना, उनको अगर आप स्पष्ट कर दें ना, फिर उसमें ज़रूर आपको अवकाश मिलेगा इन सब चीज़ों को इंक्लूड करने में, जो एंथ्रोपोलॉजिकल चीज़ें हैं, भाषा को लेके कैसे फेर बदल हुआ है, ये सब, और ये जो आपने दो जाति कैसे एक दूसरे से मिल गई, इसकी जो पॉलिटिक्स है, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स, धर्म को लेके आइडियल, ये सारे जो तत्व हैं जो आपने हमें जैसे छोटे छोटे स्प्रिंकल करके दिखाए, उनको एक अच्छे ढांचे में अगर आप इंक्लूड करें सबको, तो मेरे हिसाब से जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा ना, ये बहुत जबरदस्त हो जाएगा, ये मैं कह रहा हूँ, भयानक हो जाएगा, क्या शब्द आपने इस्तेमाल किया था, खतरा हो जाएगा, हाँ खतरा हो जाएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर आपके सुझावों के लिए जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अश्विनी जी, हेलो जी, मुझे एडमिन से ये कहना था कि यहाँ जो मेरी स्क्रीन है वो किसी और जैसे कि किसी ने कैप्चर कर ली है, और उस पर उन लोग का ये माउस और ये एज इफ यू नो माय कंप्यूटर हैज बीन कैप्चर्ड, सो आई वांटेड टू टेल दिस टू एडमिन जो यहाँ देख रहे हैं, कोई पवित्रन करके उनका स्क्रीन मेरे कंप्यूटर पे आकर के, और उनका नाम्बिया जी का हाँ, तो वो मेरे कंप्यूटर में कैसे आ रहा है, वो हमारे यहाँ भी आ रहा है, ओहो सब जगह, अरे उन्होंने स्क्रीन शेयर कर दिया होगा, मुझे लगा कि किसी ने मेरा ही स्क्रीन, ओके वो सब जगह आ रहा है, तो सबको लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। चल ठीक है, शुक्रिया बताने के लिए, थैंक यू अश्विनी जी। एक सवाल है अश्विनी जी, मुझे कुछ पूछना है बारे में, जब मुझे बता। हेलो, अभी मैं बोल सकता हूँ? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, तो मेरी आवाज सुनो, अगर मेरी साफ आ रही हो तो। हेलो हेलो, बहुत सारी, अच्छा हम बोलते हैं जरा, बहुत सारी आवाज साफ हो गई। सत्येंद्र सर प्लीज आप बोलिए। जी जितेंद्र सर, जितेंद्र नहीं सत्येंद्र। तो ये अभिषेक जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, ये बहुत ही अद्भुत प्रेजेंटेशन रहा आपका, मुझे तो बहुत पसंद आया वो, बहुत धन्यवाद सर। मैं एक दो चीजें जानने की मेरी इच्छा है, एक तो ये है कि जो ट्राइबल समाज हैं या जिनको आप जनजातीय समाज हैं, उनमें जो भी आपने चर्चा की थी उसकी दहेज प्रथा की, तो एक जो अध्ययन आ रहे हैं, जो आजकल नए अध्ययन आए हैं, उनमें एक चीज भी साफ हो रही है कि जो पहले ब्राइड प्राइस था, जिसको आप दहेज बोल रहे थे कि और लड़की लड़के वाले देते हैं, ब्राइड प्राइस उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, तो वो धीरे धीरे बदल के उसका अब जो है वो हम लोग उसको दूसरी भाषा में प्रयोग करते हैं, ब्राइड प्राइस और डावरी ऐसे डिफरेंस करते हैं, तो वो जो है ना ब्राइड प्राइस खत्म हो गया धीरे धीरे कुछ जनजातियों में, और उसको दहेज वाला जिसमें लड़की की तरफ से दिया जाता है वो प्रथा एक्वायर कर ली, कि जो लार्जर संस्कृताइजेशन हो रहा है या बड़ा जो पूरे राष्ट्रीय चेतना के तहत चीजें आवाजाही हो रही है, तो उसमें बड़े समाजों का जनजातीय समाजों पर एक ये व्यापक प्रभाव पड़ रहा है, तो क्या ये भी देखने में
अरुणाचल में आ रहा है जो आपने एक सर अभी हाँ अभी तक वहाँ ये वहाँ अभी तक ये चल रहा है कि लड़के वाले लड़की वाले ये अभी तक वहाँ कायम है सर। इसका ये जो लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं दहेज ये अभी वहाँ शुरू नहीं हुआ और इस तरह का प्रभाव भी अभी मुझे बहुत दिखाई नहीं दिया। हालांकि वहाँ सब तरह के संगठन काम कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से करने का, लेकिन अभी भी लगभग अरुणाचल की सभी ट्राइब में और तानी में तो खास तौर पे अच्छा। लड़के वाले ही लड़की वालों को दे रहे हैं अभी तक भी। अच्छा अभी तक भी। तो दूसरा एक और संबंधित सवाल है वो आपने एक प्रतिरोध की जो संस्कृति की बात की जो कविताओं में उभर रही है डैम्स के खिलाफ और डेवलपमेंट और विकास के खिलाफ जो इसमें आती कविताओं में, क्या ये प्रतिरोध की आवाज आपको कहीं आंदोलनों में भी दिखाई देती है या इसको विकास को स्वीकार कर लिया गया है? सर अरुणाचल के स्पेशल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वहाँ बहुत ज्यादा इसका प्रतिरोध नहीं हुआ। मैं आंदोलन अगर गिनूंगा तो सिर्फ एक ऐसा आंदोलन है तावांग में हुआ था जिसमें कैजुअल्टी हुई है क्या, तो और उसका भी उसके भी केंद्र में ये था कि मॉन्क ये कर रहे थे कहके कि तावांग हमारी पवित्र भूमि है और यहाँ आप डैम बनाएंगे तो पूरा तावांग खत्म हो जाएगा। तो लेकिन लेकिन जो है ये जैसे बाकी जगहों पर है कि डैम के खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज होता है, वो आइडियोलॉजिकली बहुत सीधा उसका रास्ता होता है और सारी चीजें होती है, उस तरह का प्रतिरोध मुझे वहाँ आंदोलन के रूप में संगठित होता नहीं दिखा। ये व्यक्तिगत तौर पर लोग अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, भी उसका सांगठनिक या सामूहिक रूप बहुत देखने को नहीं मिला है। थैंक यू अभिषेक जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहा और आगे हो जाएगा और सुंदर हो जाएगा आगे जी। थैंक यू सत्येंद्र सर। हेलो सत्येंद्र सर, हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। हाँ जी, एक सवाल है। I want to say something as you refer to the hello? Concept of Sanskritization in the context yes, I can hear Samsung, you are speaking, I can hear, yes. Yeah. As you refer to the concept of Sanskritization in the context of the tribe here, not exactly, not exactly, please don't misunderstand me. I was talking about bride price and the dowry, not Sanskritization per se. That is a bit complicated, I think, concept, and I don't want to use. Somehow it came out from my mind. So, okay, sir. okay. I'm just very specifically using the bride price and dowry. Okay, that's all. Yeah, okay then. Yeah, that's fine. Yeah. I wanted to say something. Can you hear? सर सुब्रमण्यम सर, आपकी आवाज बहुत खरखरा रही है, मैं सुनना चाहता हूं लेकिन बहुत मुश्किल हो रही है। हाँ जी। हाँ, मैं आपने जो पहला सवाल दिया है, मैं ये नाटक जो लिखा है इन्होंने ताई तुगुंग ने, इसके अलावा देखिए ये किताबों की बात है, यहाँ पे तो मैंने दो कविता संग्रह और एक नाटक का जिक्र किया, करीब 5-6 उपन्यास हैं जिनको मैं सेकंड फेज में लिखूंगा। तो लगभग सारी किताबों में हिंदी का ही प्रयोग किया है उन्होंने, अरुणाचली हिंदी का प्रयोग अभी तक कोई नहीं किया है। इसका कारण मुझे जो दिखाई देता है वो शायद ये है कि वहां पर अरुणाचल में स्टेट की लैंग्वेज है ये अंग्रेजी, हिंदी को जो लोग पढ़ रहे हैं वो विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, अरुणाचली हिंदी लोग बोलते हैं लेकिन वो अरुणाचली हिंदी पढ़ते नहीं है। तो इसीलिए लेखक शायद कोई लेखक इतना लिख नहीं रहा है। इवन एक मुश्किल ये भी है कि जो लोग हिंदी में लिख रहे हैं वहां पे, वो भी उनका भी पाठक वर्ग या तो हिंदी पढ़ने वाला विद्यार्थी है, हिंदी पढ़ने वाले लोग हैं, या फिर हिंदी का जगत है जो 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 सो कॉल्ड मेनलैंड में है, वो उधर उधर जो है हिंदी उनके उपन्यास या कहानियां पढ़े जा रहे हैं। अरुणाचल में इसका एक एग्जाम्पल आपको दूंगा, एक लेखिका है जिन्होंने बहुत अच्छा उपन्यास लिखा, उन्हें अभी अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान मिला, उनकी एक किताब है तानी मोमेन,
तानी के बारे में जो कहानियां हैं उन्होंने उसको संकलित किया, उन्होंने उसको हिंदी में किया, लेकिन उसको अभी वो हिंदी में आनी बाकी है, उन्होंने उसका अंग्रेजी तर्जुमा करवाया और वो ज्यादा पढ़ा गया अरुणाचल में, क्योंकि स्टेट लैंग्वेज इंग्लिश है तो वहाँ बीए में हर विद्यार्थी को अंग्रेजी पढ़ना अनिवार्य है। तो अभी भी वहाँ पाठकों की एक दिक्कत तो है ही है, अरुणाचल में हिंदी के पाठकों की एक दिक्कत तो वहाँ है ही है। अरुणाचली हिंदी कवियों ने पारंपरिक अरुणाचली भाषा के मौखिक साहित्य का उपयोग नहीं किया है, तो ये किया है सर। मैं तादो सिंदिक ने दो तागिन लोकगीतों का को कविता बना के ढाला है, और यही नहीं, अभी तो सर ये तो केवल कविता नाटक की बात थी ना, उपन्यास जो एक लिखा गया है जंगली फूल, उसमें तानी का जो मिथक है वहां उनके समाज में, उसको लेखिका ने पूरा दोबारा नैरेट कर दिया, पूरे मिथक को, कुछ चीजें मिथक से उठाई उन्होंने और उसको बना दिया कि कैसे एक ट्राइबल सोसाइटी जो कि शिकार पर निर्भर थी, कैसे वो खेती पर निर्भर होती है, इस पूरी जर्नी को उन्होंने तानी के मिथकों के माध्यम से रिक्रिएट किया है। ये उपन्यास कविता में अभी सर उस तरह से नहीं आया है, तीसरा जो सवाल आपने कहा आत्म केंद्रित कविताएं, तो वो सर ऐसे हैं कि जैसे उन्होंने प्रेम के बारे में लिखा है, वो बहुत ज्यादा निजी अनुभव, बहुत ज्यादा निजीपन है उन कविताओं में, तो उसके लिए मैं कह रहा था। मैं ये खुद जमुना बिनी की एक कविता है, वो अगर मिल गई मुझे अभी तुरंत तो मैं आपको सुना दूंगा कि मैं आपको भेज दूंगा वो कविता की पंक्ति ही आपको भेज दूंगा। वो आप कोरोना वायरस वाले में हाँ मैं आपको भेज दूंगा। दीपक जी ने लिखा है भाषा के स्तर पर जनजाति समूहों के मिलन से उनके भाषा के स्तर पर क्या परिवर्तन दिखता है। हिलमिरी जो है वो ये दीपक जी ने सवाल पूछा है, हिलमिरी जो है वो अभी भी अपनी ही भाषा बोल रहे हैं, वो जो हिलमिरी ट्राइब की जो अपनी भाषा है वो वही बोल रहे हैं, क्योंकि वो ऐसे इलाके में हैं जहां निसी उनके चारों तरफ हैं और अभी वो भी निसी हो गए, तो निश्चित तौर पर उनकी भाषा में कई सारे वैसे ही नेचुरली निसी शब्द थे और निसी लोग से वो रिलेट करते हैं पहले से ही, तो उसका ऐसे दोनों के मिल जाने का कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये मिलना तो कोई नैसर्गिक तौर पे हुआ नहीं है, ये तो एक तरह का पॉलिटिकल मामला है। और विशेष रूप से हिंदी पर इस तरह के जनजातीय मिलन का क्या प्रभाव देखते हैं, तो अभी हिंदी उस तरह से वहां केवल संपर्क भाषा के तौर पर है, हिंदी में अभी उस तरह से वो आवाज नहीं जा रही है दीपक जी को, मैंने सारा जवाब दिया उनका। हितेन सर कुछ बोलेंगे? आ रही है आवाज सुनाई दे रही? हाँ मैं तो बहुत देर से वेट कर रहा हूँ। हेलो आवाज सुन पा रहे? हेलो कहिए सर। हाँ आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हितेन सर बोलिए, प्लीज बोलिए। हितेन सर हाँ मैं बोलना ये चाह, सबसे पहले तो डेंजर प्रेजेंटेशन के लिए बधाई। थैंक यू सर। इन्होंने ये हाड़ा साहब ने एक सवाल उठाया है, उस पर आपको ध्यान देना चाहिए, और आप सत्यन जी ने भी एक बात कही और प्रोफेसर परांजपे ने भी कहा, मुझे लगता है ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं एक अर्थ में, जो कि आपके पूरे रिसर्च को दिशा देने में सहायक हो सकते हैं।
एक तो आप जिन लोगों के बारे में बता रहे हैं और जिन लोगों के द्वारा हिंदी में कही गई कहानियों के साथ उसको रिलेट कर रहे हैं, उसमें कहीं कहीं दिक्कत होती है। उसका कारण ये नहीं है कि आप आपके काम में कमी है, बल्कि इसको प्रॉपरली इंट्रोड्यूस किए जाने की जरूरत है। और ये जो नई हिंदी है या हिंदी के बाहर, हिंदी के बाहर हिंदी की दुनिया जो बन रही है, उसको आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें एक मेथड के स्तर पर एक सुझाव है जिस पर आप गौर कर सकते हैं। आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी बोलिए। तो चहल साहब ने आपको आपकी तरफ जो कहा वो मुझे अच्छा लगा कि आपने आप वहां के हैं और उस तरह से आप सोच रहे हैं, ऐसा चहल साहब सोच रहे हैं। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं कि आपकी तरफ, तो मतलब आप अरुणाचल में होकर वहां के लोगों की कहानी जो हिंदी में आई है उसको कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें सर आपकी आवाज चली गई, नेट परफॉर्मेंस पुअर है थोड़ी सी उधर। आपका चेहरा ही अटक गया। आपको चुनाव करना, मेरी बात ही थोड़ी सी अस्पष्ट सी होगी, लेकिन मैं दो जाना इसलिए जरूर समझता हूँ कि इसके साथ आपकी पूरी किताब का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। और ये कहानी आपको टेक्स्ट के लेवल से कहनी है या कॉन्टेक्स्ट से टेक्स्ट तक की यात्रा में कहनी है, ये चुनाव आपको करना होगा सुविधा के लिए। कि कॉन्टेक्स्ट, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट को बहुत स्पष्टता से रखते हुए आप फिर टेक्स्ट में जाएं और फिर टेक्स्ट के ऊपर जो जैसा हाड़ा साहब की उसकी जो गुणवत्ता होगी, उसके जो मानक होंगे वो ऐसे ही होंगे जो जो जिसको स्टैंडर्ड हिंदी कहते हैं उसके हिसाब से हो, वहां आप अपनी बात कह सकते हैं। तो मुझे यही लगा कि इस मामले में आपको एक एक चुनाव करना चाहिए, और सोशियोलॉजिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और लिटररी जो जो साहित्यिक है उसके बीच में एक स्पष्ट चुनाव करने की जरूरत है, नहीं तो फिर हम लोगों की तरह बीच में झूलते हुए दिखाई देंगे, ये भी हो सकता है। सर आपने जो सुझाव दिया है वो बहुत अच्छा है, मैं उसपे मैंने उसको उस पर और काम करूंगा, आपसे बात भी करूंगा। मैं दो तीन बातें स्पष्ट कर दूं। एक्चुअली हो ये जाता है कई बार, आपने कई लोगों की बात को लिंक किया, मैं निदेशक महोदय की बात को भी लिंक करके ये कहना चाहता हूं कि एक तो कि किताबें जो ये है कि किताबें जो कम हैं हमारे, मेरे इस प्रोजेक्ट के शुरू होने तक जितनी किताबें मेरे पास थी मैंने उन पर ही फोकस किया है। मैं जो ये कह रहा था, मैंने वो इस लहजे में कहा कि कई सारी किताबें मेरे प्रोजेक्ट के खत्म होने तक और आ जाएंगी, क्योंकि वहाँ लोग हिंदी में खूब लिख रहे हैं, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया है तो कई किताबें उनकी आ जाएंगी। अगर कोई एकाध किताब मुझे अभी मिल गई अगले दो चार महीने के अंदर तब मैं उसको शामिल करूंगा। अब ये नहीं कि जमा करने के एक महीने पहले कोई पब्लिश होके आई तो मैं उसको शामिल कर लूं, ये असंभव होगा, गलत भी होगा, ठीक भी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि उपन्यास उन लोगों ने काफी लिखे हैं, बल्कि कविता दो ही कविता संग्रह है, नाटक एक ही लिखा गया, उपन्यास काफी लिखे गए हैं जिनपे मैं दूसरी बार में मैं उस पर बात करूंगा उपन्यासों पर। कई लेखकों ने उपन्यास लिखे, एक ने तो आज से 25-30 साल पहले लिखा था, वो किताब अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रिप्रिंट हो जाए, दोबारा छप के आ जाए, लगातार लगे हुए हैं। तो उपन्यास ज्यादा वहाँ इस मामले में उपन्यास लिखे गए। एक संकट है जिसको जिसको ध्यान में रख के इन बातों को सोचना चाहिए, वो ये कि ये जो विधाएं हैं ये सब हिंदी साहित्य की विधाएं हैं और वो हिंदी साहित्य में लिख रहे हैं। नाटक लिखना या नाटककार होना उत्तर भारत के इलाके में हिंदी में नाटक लिखना जितना सहज और आसान हो जाएगा,
अरुणाचल में लिखना एक अरुणाचली लेखक के लिए कठिन काम है। ताई तुगुंग इसलिए उसको कर पाए, मैं कई लोगों से मैं कहता रहता हूँ कि ये लिखिए, वो इसलिए कर पाए क्योंकि वो खुद एक्ट करते हैं, थिएटर में उन्होंने काम किया है, इसलिए वो उसको लिख पाए। नाटक जैसे लिखा जाता है, जैसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, मैंने आप लोग सामूहिक तौर पर जो एक बात कह रहे हैं कि साहित्यिक मूल्यांकन इनका होना चाहिए। मैं बहुत पहले ही अपने प्रेजेंटेशन में मैंने बहुत पहले ही एक बात ये स्पष्ट कही कि हिंदी साहित्य की कृतियों को अगर आधार मान के हमने उनका साहित्यिक मूल्यांकन किया तो ये थोड़ा इनजस्टिस होगा। मैं जयशंकर प्रसाद के नाटकों का उदाहरण या मानक लेकर ताई तुगुंग के नाटक का मूल्यांकन नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है मुझे नहीं करना चाहिए। दूसरी बात कि आप जो कह रहे हैं ना समाज शास्त्रीय विश्लेषण एंथ्रोपोलॉजिकल और साहित्यिक वाला, तो मैं केवल साहित्यिक विश्लेषण करना, मुझे लगता है कि मैं उसकी जगह साहित्यिक विश्लेषण के साथ साथ उसमें सामाजिक समाजशास्त्रीय विश्लेषण भी और थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजिकल विश्लेषण भी शामिल करना पड़ेगा, नहीं तो उन किताबों का केवल साहित्यिक मूल्य नहीं है, उन किताबों का साहित्यिक मूल्य से ज्यादा उनकी उनके उनका महत्व है। इसलिए मैं इन सारी चीजों को एक साथ समेटने की कोशिश कर रहा हूँ, भले ही थोड़ा अभी ये वेग लग रहा हो, अभी एक मिनट के लिए लग रहा हो कि कैसे ये सब बिखरा हुआ है इतनी सारी विधाओं में, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है लगेगा। हिंदी साहित्य की आधुनिक हिंदी कहानी पर दो किताबें लिखी हैं मोटी मोटी लोगों ने, तो अब ये वो उनको पढ़ने के बाद तो ये लगता ही है कि अरे इतनी सारी विधाओं को एक ही साथ ले आए तो बहुत वेग हो गया, वेग तो लगेगा ही शुरू में, लेकिन जब ये चीजें एक साथ जुड़ जाएंगी, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगी, तब इनका महत्व हो जाएगा। और मैं ये बहुत फॉर्मली मानता हूं कि इनका केवल साहित्यिक महत्व नहीं है, साहित्यिक महत्व से ज्यादा बड़ी बातें हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया, अद्भुत है, और मैं चाहूंगा कि इस पर थोड़ा हम लोग डायलॉग और करेंगे क्योंकि और भी लोग पूछने वाले होंगे। जी छोड़, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सर। विष्णु मलिक जी पहले कुछ कहना चाहते थे। हाँ जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ सुनाई दे रहा, बताएं। मेरा मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हिंदी और हिंदी तर भाषी के अध्ययन को लेकर, खासकर आपने नवजागरण को लेकर कहा था कि हिंदी तर भाषी को एक अलग कोटि में आपने देखा और रखा, मैं जानना चाहता हूँ आप कितने हिंदी तर भाषी राज्य गए हैं और कितने हिंदी तर भाषी को जानते हैं। हाँ बिल्कुल, मलिक साहब मलिक साहब मैं बताता हूँ, ये तो सिर्फ एक पंक्ति का जवाब है इसका, वो ये कि मैंने ये बात अरुणाचल को केंद्र में रख के कही थी। मैंने ये बताया था कि वहां जब बताते हैं हम हिंदी पट्टी के नवजागरण की बहस को, तब मेरे एमए के विद्यार्थियों को ये आत्मसात करने में ये मुश्किल होती है। ये मैंने किसी हिंदी तर भाषी राज्यों के लिए इसका साधारणीकरण नहीं किया, सरलीकरण नहीं किया। नहीं नहीं, आपने कहा था उसी समय जिस समय आप नहीं, बोले नहीं, थे। मैं कह ही नहीं सकता, मैं तो अरुणाचल में पढ़ाता हूँ, मेरा काम अरुणाचल पर है, तो मैं कैसे उड़ीसा और तमिलनाडु के विद्यार्थी के नवजागरण की समझ को कैसे मैं डिस्क्राइब करूंगा, ये तो संभव नहीं है। सवाल है मेरा, सुनिए सर, मेरा दूसरा जो सवाल है कि जैसे कि जगदीश चंद्र बोस ने ये कोणार्क नाटक लिखा उड़ीसा को लेकर, जगदीश चंद्र माथुर जैसे कि कोणार्क नाटक लिखा उड़ीसा की कथा को लेकर, उसी प्रकार अरुणाचल के कोई ऐसे नाटककार है जो वहाँ की जो कथा है उसी को लेकर कोई नाटक लिख रहे हैं? अभी नाटक केवल लप्या ही आया है, जितनी मेरी जानकारी है उसके हिसाब से उस कुरीति पर लिखा हुआ एकमात्र नाटक अभी तक आया है। और कविता पर, क्योंकि वहां की कविता और ये जो हिंदी प्रांत में जो लिखी जा रही कविता, उसमें कौन सा ऐसा कोई खासियत है वहां की कविता में, आप बताएंगे? एक पंक्ति की बात कहूंगा मैं, समकालीन हिंदी कविता वैचारिक रूप से बहुत तो समृद्ध है, या उसको क्या कहते हैं कि उसमें वैचारिकी का बहुत बड़ा एक हिस्सा है।
मैंने अरुणाचली हिंदी कविताएं पढ़ी, वहां वैचारिकी के लोड से वो नहीं लिख रहे हैं, बहुत सरल कविताएं लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सुब्रमण्यम सर का एक कमेंट पढ़ना चाहता हूं, तब से थोड़ा मैं देख लेता हूं। सर ये बात आपने ठीक कही है, पार्शियली ये सही भी है कि कई लोग उस तरह से खुल के नहीं लिख पा रहे हैं, जो लोग नौकरी में हैं। इसमें एक लेखक जिसने संजोग से कविता नहीं लिखी और नाटक नहीं लिखा, मैं अब वही ना, इस प्रेजेंटेशन की अपनी सीमा थी, उसने उपन्यास लिखे हैं और दो एक आलोचनात्मक कृतियां लिखी हैं। वो लेखक जो सरकारी नौकरी में नहीं है और उनके बंधन से आजाद भी है, सरकारी नौकरी में नहीं उसके बंधन से आजाद है। और मैं बताऊं आपको कि ये सच में आपने एकदम सही बात कही, ये फर्क दिखाई देगा, जो सरकारी नौकरियों में रहते हुए जो लेखक लिख रहा है और वो जो गांव में रहने वाला लेखक है जिसके उपन्यास के पुनर्प्रकाशन की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसमें आपको दोनों के दृष्टिकोण में ही बहुत बड़ा फर्क दिखाई देगा। वो जो गांव में बैठा हुआ लेखक है, जो अरुणाचल का पहला हिंदी लेखक है, 1982 में उन्होंने 1982 में पहली कविता लिखी थी, मैं ट्रेस कर रहा था लेकिन अभी तक वो मुझे मिली नहीं, वो जल गया उनका गांव, तो कविता की किताब की पत्रिका की प्रति भी जल गई थी। उस आदमी ने जिस बेबाकी के साथ लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है, समस्याओं पर, चीजों पर, जिस आलोचनात्मक तरीके से उसने लिखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि उन्होंने कविताएं नहीं लिखी, बाद में एक कविता लिखी थी वही 82 में, उसके बाद नहीं लिखी कभी, तो मैं इस वो कविता भी मिली नहीं मुझे, इसलिए मैं उनका जिक्र नहीं कर पाया। मैं अभी उनसे बात ही किया दो दिन पहले कि वो कविता कुछ मिल पाई क्या, लेकिन वो नहीं मिल पाई। अब जब वो प्रकाशित प्रति हमको नहीं मिल सकती तो मैं उसका दावा भी नहीं कर सकता, ये मेरे सामने मुश्किल है। तो उनका जब जिक्र करेंगे तो बहुत सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, बहुत सारी बातें और खुल जाएंगी। अभिषेक जी, आपने एक पद बहुत अच्छा इस्तेमाल किया, वैचारिकी का लॉर्ड। मैं जान रहा था कि आप इसको पकड़ेंगे। तो क्या 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 आप मान के चलते हैं कि हिंदी कविता में ये रहा है? मैं ये जानता था, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था कि हाड़ा सर इस पर कह नहीं रहे हैं एक बार भी। कभी अनायास ही कुछ चीजें निकल आती है ना। नहीं सर, मैं इसको दूसरे तरीके से कह रहा हूँ। बेसिकली ये कहना चाहता हूं मैं कि ये मैंने सबसे पहले देखा था झारखंड में दो एक उपन्यासकार हैं जो झारखंड के स्थानीय उपन्यासकार हैं, पीटर पॉल एक का नाम है उनका। उन्होंने भी उपन्यास लिखा मौन घाटी, और हिंदी के उपन्यासकारों ने भी लिखा, जो हिंदी में माने जो गैर नॉन ट्राइब उपन्यासकार हैं उन्होंने भी लिखा। मैंने दोनों के लिखने में फर्क देखा, क्योंकि जो गैर जनजातीय रचनाकार थे वो एक दूसरी पृष्ठभूमि से आए थे, उनका बहुत सारी चीजों से साबका पड़ा था, बहुत सारी चीजों में खुद मुब्तला भी थे, तो उनके लिखने में वो पूरा नेटवर्क आया। जबकि पीटर पॉल एक्का ने जब लिखा तो उन्होंने सिंपल कहा कि ये जंगल, ये पहाड़ हमारा आदिवासियों का है, यहाँ बांध आप क्यों बनाएंगे, यहाँ जगह क्यों ले लेंगे। लेकिन जब इसी बात को राकेश कुमार सिंह लिख रहे थे तो वो उन्होंने पूरा ऐसे लिखा कि कैसे भूमंडलीकरण है, कैसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, कैसे वो मिनरल्स को लेना चाहती हैं, और ये एजेंडा है पूरा, ऑल ओवर द वर्ल्ड एजेंडा है, ये सारी बातें। तो मैं उस फर्क को बाद में मैंने जब देखा अरुणाचल के साहित्य में तो मुझे वो फर्क दिखाई दिया। और चाहे कोई माने चाहे न माने, लेकिन मुझे ये कविता तो जमुना बिनी की बहुत महत्वपूर्ण इस मामले में लगती है, जो रोचक कथा मैंने बताई, एक रोचक कथा, कविता का नाम ही एक रोचक कथा, उसमें एक शब्द प्रयोग हुआ है मजेदार। उन्होंने लिखा कितनी मजेदार कहानी है ये मेरे गांव के लोगों की, मैं इसी शब्द पे अटका हुआ था, मजेदार। अब चूंकि ये तो एब्स्ट्रैक्ट है ना, और ये इसकी एक सीमा है, इस प्रेजेंटेशन की भी एक सीमा है, तो सारी बातें वो 70-80 पेज में जो लिखी है वो नहीं आ सकती इसमें। मजेदार शब्द एक कवित्री विस्थापित हुए लोगों के समाज के लिए क्यों लिख रही है, क्यों
उसके लिए वो मार्मिक लिख सकती थी, उसके लिए वो कोई दूसरा शब्द प्रयोग कर सकती थी, इसलिए क्योंकि वहां इतने संकट नहीं खड़े हो गए जीवन पर, अस्तित्व पर इतने बड़े संकट नहीं खड़े हो गए कि उनको लगे कि ये बहुत मार्मिक बात है, उनको ये मजेदार ही लग रहा है एक स्तर पे। गुड, ये मैं कहना चाहता था। अब असल में हो ये जाता है एक तो मैं सर इसका अभ्यस्त नहीं हूँ, इस टेक्नोलॉजी का, मैं सामने सामने बोलने का अभ्यस्त हूँ, भाषण वाषण भी ऐसे ही सामने सामने ही दिया है जीवन भर, तो एक तो ये, और दूसरा जो है इसमें जो है कविता और नाटक हमने चुने, उपन्यास और कहानी रह गई, जब ये पूरा पैकेज सामने आएगा तब इसकी गुणवत्ता शायद दिखाई दे। वो तो है ही है। और बढ़िया सर। हेलो सर। हाँ मलिक साहब बताइए। सर पहले तो ढेर सारे बधाई इतना दिलचस्प प्रस्तुतिकरण के लिए। मेरा थोड़ा जिज्ञासा है कि ये जो आप तनी ट्राइब के बारे में बताए, जो मतलब दुल्हा दुल्हन को दहेज देता है, कुछ देता है, मिथुन देता है, सो मेरा ये मानना है कि वहाँ का जो स्थिति है वो विवाह का स्थिति और विवाह विच्छेद का यानी डिवोर्स का स्थिति क्या है उन जनजातियों में, उसके ऊपर आप थोड़ा अलग बात करेंगे तो अच्छा। मैं ये बहुत अच्छा आपने एक बात कही, मैं विवाह तक बताया था, विवाह विच्छेद नहीं बताया था। विच्छेद होने की एक मुश्किल है वहां ट्राइबल सोसाइटी में, डाइवोर्स जैसा कि लोग समझते हैं कि इतनी आजादी है कि किसी के साथ विवाह कर लीजिए और कभी भी अलग हो जाइए, ये मामला नहीं है। मैं जितना मैं पढ़ा हूँ उस साहित्य को, जितना मैंने देखा अरुणाचल में, तानी समूह के तो प्रमाण है मेरे पास, लिटरेरी प्रमाण भी हैं और ऐसे भी, कि स्त्रियों पर बहुत बुरी तरीके का उनके ऊपर अत्याचार है। तो अलग होने का जो मसला है वहां बहुत टेढ़ी बात है। अगर आपका पति पीट रहा है आपको, तो शुरुआत में जैसा कि सब समाजों में होता है वो यही समझाने आएंगे कि इसमें कोई हर्जा नहीं है, ये कोई बहुत खराब बात नहीं है भाई, दो चार झापड़ मार दिया, इसमें अलग क्यों होना है, यही समझाने सबसे पहले वहां भी आते हैं लोग, यही कहने के लिए आते हैं। विवाह विच्छेद आप करेंगे तो आपको सारा पैसा वापस करना पड़ेगा, पैसा नहीं मिथुन वापस करना पड़ेगा, और वो मिथुन आप कैसे दे सकेंगे, वो सारा मिथुन तो जो काट के खा दिया गया या वो जो दूसरे जगहों पर दे दिया गया वापस नहीं आएगा, कई बार वो गरीब होते हैं परिवार जो नहीं दे सकते। तो डाइवोर्स इतना सिंपल नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना कि, ये तो आसान हिंदू कोर्ट बिल में भी नहीं है लेकिन वहां भी आसान नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। ये सैम जी बताएंगे उनके समुदाय में डिवोर्स क्या है। मैं हिंदी उतना मालूम तो नहीं है, अंग्रेजी में कोशिश करूंगा हिंदी में थोड़ा थोड़ा बोलने के लिए। जो अभी आपने डिवोर्स के बारे में जो पूछा है ट्राइबल के कॉन्टेक्स्ट में, ये हमारा कम्युनिटी में रोंगमई कह के एक ट्राइब है हमारा कम्युनिटी, उसमें भी ऐसा कुछ है कि जब एक औरत उसका हस्बैंड मर गया तो उसको जो बरी करते हैं ना, दफन करते हैं, तुरंत दफन करने के बाद घर में घुसेंगे लड़की, मतलब उसका पति, मतलब उसका पत्नी का रिलेटिव लोग है, और जो गुजर गए उसका आदमी का रिलेटिव लोग साथ बैठेंगे और पूछेंगे, लड़की का रिलेटिव लोग बोलेंगे कि हमारा बेटी या बहन, ये जो गुजर गए उसका पति पत्नी है, उसको हम वापस घर ले जाना चाहता हूँ, ऐसा बोलेंगे जो हस्बैंड गुजर गया है उसका रिलेटिव लोग को। लेकिन जो गुजर गया है हस्बैंड, उसका रिलेटिव लोग जवाब देंगे कि नहीं, हम इसको जो गुजर गए है उसका पत्नी को हम हमारा बेटी या हमारा अंटी या माँ मान के फॉरएवर ऐसा रखेंगे, ऐसा बोलेंगे। ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए ही है, ये लड़की लोग के तरफ से बोलना कि हम उसको वापस ले जाना चाहता है, इससे नहीं होते हैं कि डिवोर्स हो जाएंगे, नहीं होते हैं डिवोर्स नहीं होते है, लेकिन बस फॉर्मेलिटी, रिचुअलिस्टिक फॉर्मेलिटी होते है इसको, तो मतलब डिवोर्स थोड़ा कम है, वो रहेगी उसी घर में, बस वो पूछ लिया जाता है कहने भर के लिए। जी जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद। और
क्वेश्चन है क्या? और कोई सवाल? अध्यक्ष जी हमारे पूछ रहे हैं कि और कोई प्रश्न है। वो चाय पीते पीते बाद में होगा वो। हाँ, सुब्रमण्यम सर कुछ कह रहे हैं। हाँ जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाईटी लेकिन होगी कहाँ, इसी में हो जाएगी। ठीक है सर, तो फिर ठीक है सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया। Yeah, that was nice. Bye. जी